नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार अब जो है, जब तक कि ये कोरोना काल चल रहा है, मंदी का टाइम चल रहा है, तब तक कि कोई सरकारी नौकरी पे कोई पोस्ट या भर्ती करने वाली नहीं है। इसके लिए गृह मंत्रालय से एक्सपेंडिचर मेजरमेंट और जो उनका मैनेजमेंट होता है उसकी तरफ से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। उस प्रस्ताव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और देखेंगे आपकी उसमें किस तरीके से एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात कही गई है और आगे कोई पोस्ट क्रिएट ना करके, कोई भर्ती ना करके कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसमें सुझाव दिया गया है। तो इसी के माध्यम से आप कह सकते हैं सभी मंत्रालय, विभाग, अन्य सभी सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध रहेगा। आगे से सरकार कोई नौकरी नहीं देगी। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय का आदेश है, केंद्र सरकार के पास नौकरी और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो इस पूरी जानकारी को हम लोग देखेंगे जो लेटर जारी किया है उसके माध्यम से। चलिए हम लोग बात करते हैं लेटर पर। तो ये वो है लेटर, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नॉर्थ ब्लॉक, जिसका सब्जेक्ट है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट फोर्थ इकोनॉमी मेजर। तो इन्होंने एक लेटर जो है केंद्र सरकार को लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को भी इन्होंने वो किया है। और इसके साथ साथ ही जो मुख्य चीज़ है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ पोस्ट सेकेंड नंबर पर दिया है, देयर विल बी अ बैन ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, यानी कि न्यू पोस्ट पे बैन किया जा रहा है। एक्सपेक्ट विद द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और अगर कुछ किया भी जाता है तो वो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच्ड ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर, स्टेटरी बॉडीज एंड द ऑटोनॉमस बॉडीज। इसके बाद है दिस वैन विल कवर ऑल क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर द पावर विच हैव बीन डेलीगेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ सच अथॉरिटीज और द पावर। इफ एनी पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड आफ्टर 1/7/2020, यानी कि 1 जुलाई 2020 के बाद अगर कोई जनरेटेड की गई है पोस्ट, तो डेलीगेटेड पावर ऑफ द अथॉरिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज नॉट येट बीन फिल्ड। तो बिना जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अप्रूवल के ये भर्ती भी नहीं की जा सकती हैं जो 1/7/2020 के बाद पोस्ट क्रिएट की गई हैं या जिनकी भर्ती निकाली गई हैं। तो इसके लिए इनको जो है इस विभाग से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये भर्ती हो सकती है। देन सच पोस्ट शैल नॉट बी फिल्डेड इफ इट इज डीम्ड एब्सोल्युटली एसेंशियल टू फिल देम, प्रपोजल में बी सेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और अंत में क्या कहा है, सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट बींग्स द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटीज एज पर रूल 70 ऑफ द GFR शैल बी फुली चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरिंग द कॉम्प्लियंस ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन। फाइनेंस एडवाइज शैल इंसिस्ट assist respective department in securing the compliance with these measures। तो ये आप देख सकते हैं लेटर भेजा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को, CEO, नीति आयोग को, ऑल द फाइनेंस एडवाइजरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल एडवाइजरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अभी इस पर ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ प्रपोजल। अभी कुछ इसके ऊपर कोई फाइनली डिसीजन नहीं हुआ है, इस पर डिस्कस होगा, अंत में क्या होगा वो आगे बताया जाएगा।